अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर्स में आपको ओवरव्यू मिल चुका होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या हैं, उनके कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, जिसमें वुड चंक है और कैपिटल से लिखा हुआ है। फिर इस तरीके से कुछ डिजिट्स हैं, देन कलर और कलर की वेरिएशन हैं, बिगिन बिगेन बिगन है। फिर इस तरीके से ओह सिमिलरली, फिर कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं। और ये कुछ मैंने यहाँ पे सैम्पल एग्जांपल्स लिखी हैं। और देन अब वन बाय वन डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने लास्ट टू लेक्चर्स में देखी हैं, उनका एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही होंगी। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने अगर वुड चंक को मैच करने, तो वुड चंक के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगी, दैट इज सिंपल वुड सी एच, इन वर्ड्स को एज इट इज लिख लिया जाएगा और वो हमारे पास इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं सिंपल। यहाँ पे लिखा वुड सी एच यू सी के और हमारे पास ये रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई और उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि इधर मैच भी हो गया। नेक्स्ट, आप ये चाहते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी लिखी जाए जिसमें वो सेमी जो स्मॉल है और कैपिटल है, इन दोनों वेरिएशंस को वो हैंडल करे। इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको याद होगा कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट का एक ऑपरेटर डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, तो ये इनके दरमियान डिस्टिंक्शन का ऑपरेटर बिहेव करेगा, ये इसको मैच करेगा या इसको। और सिमिलरली, अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ W कैपिटल W और देन उसके बाद डबल ओ डी सी एच यू सी के, तो ये इस और इस इन दोनों इंस्टेंसेस को मैच कर लेगा। इसको यहाँ पे रन कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट W कैपिटल W तो अब जब यहाँ पे इस तरह एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये इन दोनों इंस्टेंसेस से मैच कर लेगा। अब वो इसको भी मैच कर रहा है और इसको भी मैच कर रहा है। बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप रेजेक्स पॉल पे अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ सकती हैं। एक ऑप्शन क्या है कि अगर आप इस फ्लैग पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ग्लोबल है, इग्नोर केस है, मल्टी लाइन है। तो यहाँ पे अगर आप ग्लोबल को क्लिक करेंगे, तो तभी वो तमाम के तमाम इंस्टेंसेस को मैच करेगा। अगर ये ग्लोबल को अनचेक कर देंगे, तो फर्स्ट इंस्टेंस को वो मैच करेगा, तमाम इंस्टेंसेस को मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको फिलहाल ग्लोबल ऑन किया हुआ ताकि पता चल सके कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किन किन वर्ड से मैच कर रही। नेक्स्ट, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने नंबर्स को मैच करने, तो एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि आप यहाँ पे लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी नंबर्स आ रहे थे वो उनको वो मैच करना शुरू कर देगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप लिख दें 0-9 स्क्वायर ब्रैकेट, तो अगेन वो जहाँ जहाँ पे भी जो नंबर्स आ रहे थे उनको उसने मैच कर लिया। फिर आपको याद होगा कि हम यहाँ पे जो रेंजेस हैं वो 2-5 भी डिफाइन कर सकते हैं। 2-5 इसका मतलब है कि ये वो वाले वर्ड्स मैच करेगा जो कि 2 से लेके 5 तक आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने सिर्फ 2 को मैच किया। सिमिलरली, हमने ये डिस्कस किया था कि आप कैपिटल ए टू जी लेटर्स को अगर मैच करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इस पूरे टेक्स्ट में आप देखिए, ये जो कैपिटल लेटर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये कैपिटल लेटर नजर आएगा, इस वजह से इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने इससे मैच कर लिया। और फिर हमने एक और ऑपरेटर डिस्कस किया था, दैट इज नेगेशन स्क्वायर ब्रैकेट A to Z। ये negation operator या caret symbol क्या काम करता है, ये कहता है कि
ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो देन इसको अगर हम रन करें तो आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल कैरेट सिंबल कर लिया, तो सिर्फ कैपिटल W मैच नहीं हो रहा, तो सिर्फ ये वाला मैच नहीं हो रहा, बाकी तमाम के तमाम इंस्टेंसेस जो हैं वो मैच हो गए। सिमिलरली अगर आप ये कहा जाता है कि स्क्वेयर ब्रैकेट कैरेट W और कैपिटल W, तो अब ये स्मॉल W और कैपिटल W को मैच नहीं करेगा, बाकी तमाम के तमाम करेक्टर्स को मैच कर लेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं कि कैरेट सिंबल W और कैपिटल W किया, तो देन आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में भी जो मैच नहीं हुआ दैट इज कैपिटल W एंड स्मॉल W, यहाँ पे भी आ रहा था स्मॉल W, यहाँ पे भी आ रहा था स्मॉल W, और बाकी तमाम के तमाम इंस्टेंसेस को उसने मैच कर लिया। फिर हमने एक और ऑपरेटर डिस्कस किया था दैट इज पाइप साइन, ये भी डिस्टिंक्शन के तौर पे कि अगर मुझे दो वर्ड लेट्स से वुड चक को और वुड चक को कैपिटल को फाइंड करना, तो मैं पाइप साइन के थ्रू भी इसको मैच कर सकता हूँ। तो इसकी भी रेगुलर क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देन पाइप सिंबल कैपिटल तो ये उसको मैच कर देगा। इसी तरीके से अगर आप कहते हैं कलर पाइप सिंबल कलर तो ये इसको मैच कर लेगा, जो उनसे भी दो ऑप्शंस होंगी। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक ऑपरेटर दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर क्या काम करता है, ये जिस भी करेक्टर या सीक्वेंस ऑफ करेक्टर के साथ है उसको ऑप्शनल कर देता है कि वो जो करेक्टर है वो अक्कर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सी ओ एल ओ यू आर कर दूँ तो अब ये कहेगा कि यू अक्कर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, देन ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये सी ओ एल ओ आर से भी मैच हो जाएगी और सी ओ एल ओ यू आर से भी मैच हो जाएगी। सो इसको अब रन करके देख लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सी ओ एल ओ यू देन क्वेश्चन मार्क आर, तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों से मैच हो गया। इसके बाद हमने एक और ऑपरेटर डिस्कस किया था दैट इज क्लीन स्टार ऑपरेटर। फिर क्लीन स्टार ऑपरेटर डिस्कस किया था और एक प्लस ऑपरेटर डिस्कस किया था। क्लीन स्टार ऑपरेटर क्या काम करता है, वो जीरो और मोर इंस्टेंसेस को वो मैच करता है, जबकि जो प्लस है वो वन और मोर इंस्टेंसेस को मैच करता है। अब अगर आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं जो कि इस सीक्वेंस को मैच करे और ये सिर्फ ओ एच साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको मैच ना करे लेकिन जब टू टाइम्स हो थ्री टाइम्स हो इस सीक्वेंस को मैच करे, तो इसको हम देखते हैं कि इसको थ्रू क्लीन स्टार और थ्रू क्लीन प्लस ऑपरेटर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आप ओ ओ ओ एस्टेरिक एच और ये लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, अगर आप इसको इंटरप्रेट करें कि फर्स्ट टू ओस तो आने आने चाहिए, देन उसके बाद जीरो और मोर ओस, देन उसके बाद एच और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आप देख सकते हैं कि जीरो और मोर एस में इसने इसको भी मैच कर लिया, इसको भी मैच कर लिया, इसको भी मैच कर लिया। अब यही रेगुलर एक्सप्रेशन थ्रू यूजिंग प्लस ऑपरेटर अगर लिखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी कि देन प्लस, तो अब यहाँ पे भी क्या है ये इंडिकेट कर रहे हैं वन और मोर इंस्टेंसेस, तो इसने इसको भी मैच कर लिया, इसको भी मैच कर लिया। और अगर हम सिंपल ओ प्लस एच साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कर देंगे तो ये इसको भी मैच करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आपने
ए प्लस कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन ने इन तमाम सीक्वेंस को मैच कर लिया। फिर उसके बाद हमने एक और ऑपरेटर डिस्कस किया था, दैट इज डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर का मतलब है कि कोई भी करेक्टर आ सकता है। अब आप चाहते हैं कि ना एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जाए जिससे आप बिगेन, बिगेन और बिगन, ये तमाम की तमाम वेरिएशंस कैप्चर हो जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आप लिख दें बिगेन पाइप साइन, बिगेन पाइप साइन बिगन, और दूसरा क्या आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जी देन डॉट और एन। तो ऑटोमेटिकली डॉट का मतलब है कि यहाँ पे आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, और ये इस पैटर्न को मैच कर लेगा। इस रेगुलर एक्सप्रेशन को रन करते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। डी ई जी देन उसके बाद डॉट एन किया, तो आप देख सकते हैं कि उसने इस पैटर्न को मैच कर लिया। नेक्स्ट, अब अगर आप से ये कहा जाता है कि आप एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें जो टी एच ई को मैच करे, तो एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच क्या हो सकती है? सिंपल सी अप्रोच ये हो सकती है कि आप सिंपल टी एच ई लिख दीजिए। अब देखिएगा कि उसमें इश्यूज क्या आते हैं। अगर आपने यहाँ पे सिंपल टी एच ई लिखा, तो अब आप ऑब्जर्व करें, बल्कि एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे टी एच ई ये भी लिख देता हूँ। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको ये इसने टी एच ई ठीक करेक्ट कर लिया, ये भी ठीक आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी ठीक करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, ये भी, जबकि ये एफ पी आ गया, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। देन इस पर भी डिबेट की जा सकती है कि इसको आना चाहिए थी, नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए नहीं आना चाहिए था। इसी तरीके से ये आना चाहिए था और ये नहीं लाया, तो इट मीन्स फॉल्स नेगेटिव। सो आप देख सकते हैं कि रेगुलर क्वेश्चन में जब आप लिखते हैं तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी, वर्ड्स को भी वो मैच कर लेते हैं, और जो एक्चुअल वर्ड्स मैच होने चाहिए उनको वो स्किप भी कर देता है। तो टाइप वन टाइप टू एरर्स का यहाँ से भी आपको आइडिया हो सकता है। सो सिंपल आपने टी एच ई लिखा तो आपको इसमें इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी कि अब आप इसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करें। किस तरीके से? आप कहते हैं कि ना टी एच ई जो हो उसके स्टार्ट में और एंड पे आपके पास कोई और करेक्टर ना हो। तो उसको डील करने के लिए एक पॉसिबल सिचुएशन क्या है कि आप वर्ड बाउंड्री वाला ऑपरेटर यूज कर लें, स्लैश बी। तो अब आप देख सकते हैं कि स्लैश बी ने क्या किया, स्लैश बी की वजह से ये वाली इंस्टेंसेस जो पहले मैच हो रही थी अब मैच नहीं हो रही। अब आप अगर दोबारा से इसके बाद में भी स्लैश बी कर देंगे तो आप देखिएगा रिजल्ट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे। सो स्लैश बी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज डिसीजन बाउंड्री और वर्ड बाउंड्री। सो जब आप हमने स्टार्ट में भी स्लैश बी कर दिया, बाद में भी स्लैश बी कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि काफी हद तक उसने जो एरर्स आ रहे थे उनको फिक्स कर दिया। लेकिन अभी भी इसमें एक इशू आ रहा है। वो इशू ये हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि ये वाला दी भी मैच हो जाए, क्योंकि इसके साथ डिजिट है वो मेक सेंस नहीं कर रहा, और ये वाला दी भी ऐड हो जाए। सो खाली डिसीजन वर्ड बाउंड्री ही ऐड करने से भी समटाइम्स आपकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होते, तो देन आपको यहाँ पे अपनी कस्टमाइज रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के इन कंस्ट्रेंट्स को भी आप इम्प्लीमेंट करके ये वाले पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमने स्लॉट और रजिस्टर ऑपरेटर्स की बात की थी। अब आप चाहते हैं कि ना इस तरह का पैटर्न मैच हो कि अगर स्टार्ट में पॉइंट स्टार्ट में आपके पास आ रहा हो दी, देन उसके बाद कोई भी वर्ड हो, यहाँ पे हमारे पास है फास्टर, कोई भी वर्ड हो और उसके एंड पे ई आर आर हो, देन उसके बाद दे रेन, और फिर यही वर्ड एज इट इज
आगे भी यूज हो रहे हो, तो इस तरह की आप टेम्पलेट को मैच करना चाह रहे हैं। जबकि अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे वो टेम्पलेट नहीं है, फास्टर ये वाला वर्ड तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे लैन की बजाय 8 है, तो ये वाला सॉर्ट ऑफ टेम्पलेट नहीं बन रही। सो इसके लिए अगर आप जब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किस तरीके से उसको देख लेते हैं। तो आपने लिखा दी, देन उसके बाद आपने ग्रुप ऑपरेटर को यूज किया, ओपनिंग पैरेंथेसिस डॉट एस्टेरिक, देन उसके बाद आपने ईआर स्पेसिफाई कर दिया दे, उसके बाद आप कहते हैं कि ना फिर कोई वर्ड आए कॉमा द। अब नेक्स्ट अब आप कहते हैं कि ना इसके बाद जो वर्ड है जो पहला पैटर्न मैच हो रहा है उससे वो मैच करे, तो आपने यहाँ पे स्लैश वन कर दिया और देन वी, और उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज स्लैश टू। सो ये किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इस रेगुलर एक्सप्रेशन ने इस टेम्पलेट को मैच कर लिया। एक दफा दोबारा अगर आप इसको समराइज करें तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो दी है एज इट इज आ रहा है, देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं और उसके बाद ER, देन अब एग्जैक्ट यही वर्ड जो यहाँ पे मैच हो रहा है वो उसके बाद भी मैच होना चाहिए, इसी वजह से ये फास्टर यहाँ पे आ रहा है। सिमिलरली दे और जो भी यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो इससे वो वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, तो इस केस में ये वाला वर्ड यहाँ पे आ रहा है, जबकि इस वाले केस में ये वाला वर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा था, इस वजह से ये वाला पैटर्न मैच नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा अगर हम इस डिफरेंट एग्जांपल पे रन करें तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट ही एक लिख देता हूँ द फ्लोर दे वॉक द फ्लोर वी वॉक, तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इस टेम्पलेट से मैच हो गया जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन की थी। ये हमने टेम्पलेट डिफाइन की और इसी टेम्पलेट से ये चीज़ यहाँ पे भी मैच हो गई। होपफुली आपको काफ़ी हद तक ओवरव्यू मिल चुका होगा। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन की में जो रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी है उसको आप एक्सटेंसिवली यूज़ करें, ताकि जो भी आपको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिलती हैं या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसको यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह।